इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सेंट जॉन्स कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल गनापुर बल्दीराय सुल्तानपुर। इस बुलेटिन के सह प्रायोजक हैं श्रद्धा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हलियापुर रोड पारा चौराहा सुल्तानपुर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। बजट को लेकर मायावती ने ट्वीट कर कसा सरकार पर तंज। मायावती बोली, किसान और नौजवान के लिए फायदेमंद। यूपी के बजट पर सांसद संजय सिंह का बयान, लफाजी का बजट है 2021-22 का बजट। संजय सिंह बोले, गन्ना भुगतान ना करने वाली सरकार जूते मोजे के पैसे भी खा लेती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लॉन्च किया ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया अभियान। कांग्रेस सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए बनाई गई वेबसाइट और जारी किया गया टोल फ्री नंबर। संबल में भारतीय किसान यूनियन असली का बड़ा ऐलान, किसी भी दावत में नहीं होनी चाहिए भाजपा के लोगों की एंट्री। किसान यूनियन ने गांवों में भाजपा की एंट्री बैन करने के लिए जगह जगह लगाए बोर्ड। सुल्तानपुर में दो छात्राओं को प्रसाद के नाम पर लड्डू में दिया गया जहर, दोनों छात्राओं का अस्पताल में चल रहा इलाज, पुलिस कर रही मामले की जाँच। नौगंवा राय तासी के गोसाईपुरवा का मामला। 36 घंटे के भीतर सुल्तानपुर पुलिस ने बड़े हत्याकांड से उठाया पर्दा। शराब पिलाने के बाद साले ने जीजा के साथ मिलकर की थी दोस्त की हत्या। लाश को कुएं में छिपाकर आरोपी हो गए थे फरार। धमौर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 109 ग्राम अवैध मार्फीन के साथ बदमाश को किया गिरफ्तार। धनपतगंज के पतुरजा गाँव के मोड़ पर पकड़ा गया आरोपी रमजान अली। महिलाओं और बालिकाओं पर अभद्र टिप्पणियां करने वाले मधुसूदन मौर्या उर्फ बंटी को पुलिस ने भेजा जेल। अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र के असलदेव स्कूल तिराहे पर खड़े होकर आरोपी करता था गंदी बात। अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी ने अपना घर बनवाने के लिए खरीदी जमीन। गौरीगंज तहसील के मेदन मवई गांव में 10.5 बिस्वा जमीन का कराया बैनामा। भूमि पूजन में पूरे गाँव वालों को किया आमंत्रित। मोदी योगी को बताया अमेठी का भाग्य विधाता। अमेठी में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान पहुंची सांसद स्मृति ईरानी ने ज्ञानार्पण कार्यक्रम के तहत 200 बच्चों को बांटा मोबाइल। मोबाइल पाकर खुशी से खिले छात्र छात्राओं के चेहरे। स्थानीय विधायक मंकेश्वर शरण सिंह और संस्थान के निदेशक सुधीर कुमार सिन्हा भी रहे मौजूद। अमेठी में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बोलेरो को मारी टक्कर, बाल बाल बचे बोलेरो सवार लोग। इनोहा चौकी क्षेत्र कस्बे के नेशनल हाईवे का है मामला। अमेठी में दहेज नहीं मिला तो पति ने पत्नी को फोन पर दिया 3 तलाक, पुलिस ने नहीं की पीड़िता की सुनवाई। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के माहे मऊ का है मामला। अंबेडकर नगर की आलापुर तहसील के प्राथमिक विद्यालय मकरही में टीएलएम का आयोजन। मुख्य अतिथि एसडीएम धीरेंद्र श्रीवास्तव ने फीता काट कर किया मेले का शुभारंभ। मॉड्यूल प्रस्तुत करने वाले शिक्षकों को किया गया उत्साहवर्धन। बलरामपुर पुलिस पर लगा बड़ा इल्जाम, मृतक के परिजनों ने बताया कि आरोपियों ने सुलह करने के लिए पुलिस बना रही दबाव। बीती 18 जनवरी को मृतक को साथ ले गए थे विपक्षी। अगली सुबह बबूल के पेड़ पर लटकी मिली थी लाश। कोतवाली नगर के गंगा डीहवा गांव का है मामला। बुलंदशहर में निकाह के बाद हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंची दुल्हन। भाईपुरा गांव में रहने वाले दूल्हा दुल्हन के घर के बीच की दूरी मात्र 300 मीटर, फिर भी शौक पूरा करने के लिए बुक कराया हेलीकॉप्टर। नजारा देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। बुलंदशहर की जिला जेल को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट ISO सर्टिफिकेट मिलने से जेल प्रशासन में खुशी। जेल अधीक्षक ने DM बुलंदशहर को सौंपा ISO सर्टिफिकेट। जालौन में 6 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ कुकर्म का मामला आया है सामने। पीड़ित मासूम के पिता ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। कुकर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। कोंच के काशीराम कॉलोनी का है मामला। हापुड़ के थाना सिंभावली के सिरफिरे ने युवती पर किया एसिड अटैक। घर के अंदर घुसकर वारदात को दिया अंजाम। पीड़िता का चल रहा अस्पताल में इलाज। जाँच में जुटी है पुलिस। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।